सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों यार तरह तरह के टेक गैजेट्स तो हम सभी यूज करते हैं और मतलब हमने देखा है कि पहले कितने बड़े बड़े हुआ करते थे और भैया आ जाते हैं हमारी मुट्ठी के अंदर। लेकिन दोस्तों क्या फ्यूचर यही है? यहाँ पर दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। दोस्तों आगे चल के कैसे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं भैया वो मोड़ने तोड़ने वाले खींचने वाले बन सकते हैं, थोड़ा सा हम इसी के बारे में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पे अगर आप सोचते हो कि यार हम इलेक्ट्रॉनिक्स को फ्लेक्सिबल कैसे बनाएं, यार मतलब यहां पे दोस्तों ये एक एक्चुअल में सॉलिड चीज है, ये यार अगर मोड़ेंगे जोर लगेंगे दोस्तों टूट जाएगी। तो यहां पे रिसर्च चल रही है इसी चीज को लेके, अलग अलग उस टाइम पे अप्रोचेज है कि कैसे हम फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स को डेवलप कर पाए। और अगर आप ये सोचते हैं कि इनकी हमें क्या जरूरत है, तो यहां पर दोस्तों कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि भैया हम बात कर रहे हैं फोल्डिंग फोन्स की। अभी फोन को फोल्ड होना है तो यहां पर दोस्तों कुछ तो ऐसे पार्ट्स होंगे जो फ्लेक्सिबल होंगे। यहां पर दोस्तों हालांकि फोन तो कह रहे डिस्प्ले ही होगा, लेकिन इसके अलावा और दोस्तों तरह तरह के भैया मैं आपसे बात करता हूं अगर वेरिएबल इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो यहां पर दोस्तों हमको जरूरत चाहिए फ्लेक्सिबल सर्किट्स की। इसके अलावा अगर आपसे बात करता हूं ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स जिनको हमने पहन लिया है, जो हमारे कपड़ों में ही शामिल है, तो वो भी भैया फ्लेक्सिबल होने चाहिए, वरना आप ऐसे कोई स्टील का सा कवच पहन के दोस्तों नहीं चलेंगे राइट लेफ्ट। तो यहां पर जो अप्रोचेज है वो बहुत सारी तरह तरह की है। जहां पर दोस्तों एक कॉन्सेप्ट तो यह निकल के आता है कि मतलब आपने क्या किया, वायर्स को दोस्तों सिल सिल के बेसिकली उनको से हम सिलाई करते हैं, वैसे ही आपने कपड़े की तरह एक पूरा सर्किट डिजाइन किया। और यहां पर दोस्तों कुछ जो कनेक्शंस थे वो थे वाटर सॉल्युबल वायर से, उसके बाद में आपने उसके ऊपर रबर डाल दिया और बाद में दोस्तों गर्म पानी में उसको आपने धो दिया, तो वो जो सॉल्युबल सर्किट था वो तो निकल गया। और ऐसे में आपके पास में क्या बचता है, रबर के ऊपर लगे हुए पूरे वायर्स की मैश जिनको आप स्ट्रेच भी कर सकते हैं, तो यहां पर दोस्तों फिर भी वो काम करते हैं और टूटते नहीं है। अभी यहां पर दोस्तों कॉन्सेप्ट एक और कुछ ऐसा भी है, जहां पर दोस्तों अगर आपसे बात करता हूं कि प्रेग्नेंट वुमेन का अगर आपको देखना है कि जो यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन है वो किस तरीके से हो रहे हैं, तो आपने एक दोस्तों बेल्ट बना दिया और बेल्ट के ऊपर दोस्तों सामने की तरफ जो एक सर्किट लगा है वो एज अ एंटीना काम करता है। अभी ऐसे दोस्तों जैसे-जैसे कॉन्ट्रैक्शंस कम या ज्यादा होते हैं उसका शेप जो है वो चेंज होता है, ऐसे में जिस फ्रीक्वेंसी पे वो काम कर रहा है वो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, तो हमको मालूम चलता है कि भैया जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो किस तरीके से हो रहे हैं। और यहां पे अगर हम बात करते हैं सिलिकन की, जो कि दोस्तों बहुत जरूरी है आज के भैया इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के लिए, तो यहां पे हमने इसके लिए भी एक तरीका ढूंढ लिया है कि आखिर हम इसकी मदद से भी कैसे बना सकते हैं फ्लेक्सिबल सर्किट्स को। तो यहां पे दोस्तों क्या करते हैं कि सिर्फ 100 नैनोमीटर्स की एक सिलिकन की लेयर, 100 नैनोमीटर्स मतलब बहुत बहुत कम होता है, और उसके बाद दोस्तों आपने क्या किया, एक रबर का पीस जो ऑलरेडी स्ट्रेच्ड है उसके ऊपर आपने वो लेयर को लगा दिया। अभी जब आप उस रबर को छोड़ोगे तो यहां पर दोस्तों वो चीज छोटी हो जाएगी, लेकिन क्योंकि दोस्तों अभी सिलिकन की लेयर सिर्फ 100 नैनोमीटर्स की है तो वो टूटती नहीं है, बजाय कि दोस्तों वो कंडक्टिव भी रहती है और आप उसको बाद में खींच भी सकते हैं, तो ये आपके किसी भी सर्किट का एज अ बेस तैयार हो सकता है। और यहां पर दोस्तों इसके अलावा एक और अप्रोच है जिसको हम बोलते हैं सिलिकन आइलैंड अप्रोच, जहां पे आपने छोटे छोटे दोस्तों सेक्शंस जो है वो बहुत सारे ले लिए हैं, आपने उनको बीच बीच में वायर से जोड़ दिया है। तो यहां पे अभी अगर आप उसको खींचते हैं तो भैया आप के पास में बीच में हार्ड पार्ट्स तो हैं ही, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों छोटे छोटे गैप्स आपको मिल जाते हैं, तो ऐसे में इसकी भी जो स्ट्रेचेबिलिटी है वो काफी से बढ़ जाती है। तो ऐसे में आगे चल के कॉन्सेप्ट जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है कि हमको फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स देखने को मिलेंगे, तो उनको हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो तो कह रहे हैं यार आप सोच के देखो। मतलब अभी जैसे ओलेड डिस्प्लेज जो है वो दोस्तों फोल्डिंग आ गए हैं, वो फ्लेक्सिबल आ गए हैं, और ये चीज आज की नहीं, ये चीज काफी सालों पहले से है। तो अभी जाके दोस्तों हमने देखा कुछ साल पहले जैसे सैमसंग जो है अपने फोन के अंदर आपको वो एज वाले डिस्प्ले मिलते हैं, कर्व डिस्प्ले मिलते हैं, अभी हम बात कर रहे हैं यहां पे भैया प्रॉपर एक फोल्डिंग फोन की। अब हालांकि फोल्डिंग फोन के अंदर जो बाकी कंपोनेंट्स हैं वो तो रिजिड ही होंगे, जो बीच का पोर्शन होगा दोस्तों डिस्प्ले वाला वही सिर्फ फोल्ड होगा। लेकिन दोस्तों यहां पे भी हम बात करते हैं कि यार बैटरीज को भी हम कैसे फोल्डिंग बना लें, इसके अलावा जो बाकी कंपोनेंट्स हैं अगर वो भी फोल्डिंग बन जाए तो फिर जो हमारा स्मार्टफोन है भैया फिर चाहे हमने उसको रोल कर लिया है, हम उसको तरह तरह से काम ले सकते हैं। तो यहां पे सिर्फ स्मार्टफोन की बात नहीं है, ये तो एक सिंपल सा कंज्यूमर गैजेट है। अगर दोस्तों हमसे बात करता हूं मिलिट्री ऑपरेशंस की, अगर मैं आपसे बात करता हूं स्पेस ऑपरेशंस की, तो वहां पे भी हमको बहुत जरूरत है फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो ऐसे में आप क्या सोचते हो इस तरह की टेक्नोलॉजी के बारे में, आपको क्या लगता है कि भैया फ्यूचर में हम किस दिशा में मूव करने वाले हैं, दोस्तों बताइए जरूर अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट्स में।
आगे चल के एक ना एक दिन समझ लो कि हम वो टी शर्ट पहनने वाले हैं जिसके अंदर पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का जाल बुला हुआ है और वो हमारी बॉडी को भी ट्रैक कर रहा है, क्या पता फोन का काम भी वही कर रही है, पता नहीं दोस्तों कुछ भी हो सकता है। खैर फिलहाल जो डेवलपमेंट है वो प्रोग्रेस में ही है और आगे चल के हमको तरह तरह की चीजें जरूर देखने को मिल सकती है। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।